बरतानिया में गैर कानूनी तारकीन वतन को घर किराए पर देने वाले मालिकान को 5 साल तक कैद की सजा देने की कानून साजी पर ब्रिटिश पाकिस्तानी कम्युनिटी ने तश्वीश का इजहार किया है। तहम बास का कहना है कि किराएदारों की छानबीन की जानी बहुत जरूरी है। मसी तफसीलात लंदन से हमारे नुमाइंदे बताएंगे आसिफ डार। बरतानवी हुकूमत की जानिब से गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को घर देने वाले मालकान को 5 साल कैद की सजा देने के ऐलान के बाद कई एशियाई इलाकों में घर खाली हो गए हैं और क्राइम में शदीद कमी हो गई है। जुर्माने और कैद की सजा के खौफ से मालकान अपने घरों को स्टेट एजेंटों के जरिए किराए पर देने पर मजबूर हो गए हैं। 5 साल की सजा बहुत सख्त है, लेकिन क्योंकि हमारी ड्यूटी बनती है आज के जमाने में, वैसे भी आपको डॉक्यूमेंट्स, मैं खुद लैंडलॉर्ड हूँ तो आपको डॉक्यूमेंट्स चेक करनी चाहिए ताकि कोई टेररिस्ट आपके, कोई ड्रग डीलर आपके, या कोई ऐसा गलत बंदा आपके घर में या आपके फ्लैट में या आपकी प्रॉपर्टी में टेनेंट ना बन जाए। कुछ लोगों ने एक सहूलत को नजायज फायदा पाया घर लेके, उसके रूम बाय रूम रेंट किए हुए थे, जिससे ये हुआ कि भी उन्होंने गैर कानूनी जो इमिग्रेंट थे उनको उनका इस्तेमाल किया। कानूनी माहिरीन का कहना है कि यह कानून इंतहाई पेचीदा है, इसको खास तौर पर पाकिस्तानी और दूसरे एशियाई समझ नहीं पाएंगे और इन्हें बदाखर नुकसान उठाना पड़ेगा। जबकि बाद प्रॉपर्टी एजेंटों और किराएदारों का कहना है कि इस कानून के जरिए मकान मालकान अपने मनमाने किराए वसूल करने से बाज रहेंगे। तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा है, लैंडलॉर्ड्स की प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है, वो किस तरह से स्टेटस चेक करेंगे लोगों का। इसकी 30 पेजेस की गाइडलाइंस है जो होम ऑफिस ने इशू की है। इमिग्रेशन के जितने भी उन्होंने रूल्स बनाए हैं वो सारे इस तरह हैं, जैसे वो डिस्क्रिमिनेशन है इमिग्रेशन जो इमिग्रेंट्स हैं उनके अगेंस्ट जो है। ये एक अच्छा एकदम है और इससे ये हुआ कि किराए जो है वो कम होंगे। मकान मालकान का मौका है कि सीधे साधे लोग कानून की पेचीदगियों का समझ नहीं सकते, वो इमिग्रेशन अफसरों की तरह इस बात का तय्यन कैसे करेंगे कि किसके कागजात दुरुस्त हैं और किसके गलत। ये हमारे ऊपर ना छोड़ा, अगर हमारे ऊपर छोड़ा तो बहुत सारे हमारे एशियन ऐसे लैंडलॉर्ड होंगे जो प्रोसिक्यूट हो जाएंगे। हमारे ऊपर एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी डाली जा रही है कि हम इमिग्रेशन ऑफिसर का रोल अदा करें। व्हाई शुड वी डू दैट? इमिग्रेंट्स के लिए इतना मुश्किल करती है यहाँ पे रहना कि ये गवर्नमेंट चाहती है जो इमिग्रेंट्स हैं जिनका स्टेटस नहीं है सड़कों पे जाके रहें। बरतानवी हुकूमत को यकीन है कि इस तरह के कानून के जरिए मुल्क से गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को निकालने में मदद मिलेगी। कैमरामैन नसीर अहमद के साथ आसिफ डार, जियो न्यूज़, लंदन।